हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई फाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.8 को शुरू किया था, जिसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम देख चुके थे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में हमारा, इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए हम तो देखिए हमने क्या सीखा था। यहाँ पर हम कर रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन। ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको इसके रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो इनको हम कर लेते हैं लेट। तो आपको पता है पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट फंक्शन को वाई से लेट किया था, तो वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? अब देखिए बाहर आया है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, चलिए इसको भी लेट कर लेते हैं। पहले इसको जेड के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आपको इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना था। तो इसको हमने लेट किया है y और इसको लेट किया है z, मतलब y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z, तो क्या बना dy अपॉन dz। तो आपको dy अपॉन dz निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले y का x के रेस्पेक्ट में अलग करेंगे और z का x के रेस्पेक्ट में अलग करेंगे। तो चलिए अब आते हैं इस पर। तो हमने देखा, देखिए बाहर क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो बाहर कभी भी इनवर्स फंक्शन हो तो आपको ट्राई करना है कि अंदर से वही फंक्शन बने। जैसे यहाँ पर tan का इनवर्स है तो अंदर से आपको tan ही बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा पुट। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो नहीं सकती है, क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि ये कॉमन मेथड से पढ़ेंगे हम, एक ही मेथड यूज करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, तो हम शुरू से ही सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि पुट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख के आपको पता करना है कि इसमें पुट क्या हो। हर स्टूडेंट को समस्या यही होती है कि पुट क्या होगा, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ बातें बता रखी है, और उनमें से एक बात ये भी थी तुम्हारी कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा या फिर कोण थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाई दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसमें। ठीक है भाई, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देखिए पुट किया है तो इसकी वैल्यू हमें बाद में जाके रिप्लेस भी करनी होती है, इसलिए हम यहां से थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो टेन आपका इधर आएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और इक्वल्स टू क्या बच्चा हमारा थीटा, क्योंकि tan तो इधर आ गया है ना। चलिए अब इसको करते हैं थोड़ा सिंपलीफाई, मतलब x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास था tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x, और x को किससे रिप्लेस कर देंगे tan से, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x। x को किससे रिप्लेस कर देंगे यहां पर भी tan से। ठीक है, ये हो गया भाई। चलिए आगे सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट ऑफ, आप देख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, टेंथ क्लास का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है भाई, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। फॉर्मूलो की वीडियो भी बनाई हमने, एक स्पेशल फॉर्मूलो को याद करने की ट्रिक बताई है, जिसके अंदर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, सीकेंट स्क्वेयर। 1 आपका एचडीज है और अपॉन में क्या था हमारे पास, टेन थीटा। तो यहां पर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है टेन इनवर्स स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, क्या बचा सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए बाहर टेन इनवर्स था तो हमें ये कंप्लीट टर्म किसमें चाहिए, टेन में चाहिए, ताकि टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाए, लेकिन कंप्लीट टर्म तो टेन में नहीं आई, तो आप क्या करेंगे फिर साइन कोस की टर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है तो हम साइन और कोस के टर्म में लिख लेते हैं, ये टेंथ क्लास में समझ लिया था हमने। ठीक है भाई, तो सीकेंट को हम क्या लिखेंगे, सीकेंट को लिखेंगे 1 अपॉन कोस, सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस माइनस 1 अपॉन टेन को क्या लिखेंगे, टेन हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन क्या होता है भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए न्यूमिनेटर में डबल टर्म है, एक तो है आपका 1 अपॉन कोस और दूसरा क्या है 1। ठीक है, तो इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहां था इधर टेन इनवर्स और इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका यहां पर कोस कोस थीटा। ठीक है, तो इसके साथ जब मैं सोल्व करूंगा कोस से कोस कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, तो यहां पर लिख देता हूं 1 माइनस, ऐसे ही एलसीएम को इससे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, कोस थीटा ही आएगा भाई।
और अपॉन में क्या था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं अंदर की जो टर्म है भाई, वन माइनस कोस के अपॉन में कोस है, इसके अपॉन में साइन है और उसके अपॉन में कोस है, तो इसमें क्या होगा, नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसका होगा रेसिप्रोकल, तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा हमारा और साइन थीटा कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कोस से कोस क्या हो गया है, कैंसिल हो गए, तो यहां से हमें मिलेगा टेन इनवर्स, न्यूमिनेटर में क्या बचा, वन माइनस कोस थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या बचा है भाई, साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूले जो है, चार फॉर्मूले हैं टोटल, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा यूज है प्लस टू के सिलेबस में, जिसमें से एक ये है आपका वन माइनस कोस टू ए, क्या होता है, टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई, एक होता है आपका वन प्लस कोस टू ए, जो कि क्या होता है टू कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और एक था आपका साइन टू ए, तो साइन टू ए का क्या हो जाता है, टू साइन ए कोस ए, क्लियर है, और फोर्थ था आपका कोस टू ए का रिजल्ट, कोस टू ए का रिजल्ट क्या होता है, कोस टू ए का होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके फोर रिजल्ट थे, ठीक है, अगला था वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, इसी के फोर रिजल्ट है ये, ठीक है, और अगला था आपका टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, और फोर्थ था आपका टेन की फॉर्म में, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इनमें से कौन सा यूज होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जब भी कोस टू ए आएगा तो इनमें से हम कौन सा अप्लाई करें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो कौन सा यूज हो रहा है, वन माइनस कोस यानी कि फर्स्ट, और नीचे अकेला साइन दिख रहा है तो अकेला साइन दिख रहा है तो कौन सा लगेगा, थर्ड। तो एन को याद रखने का तरीका क्या है, माइनस है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर, और प्लस है तो क्या होगा भाई, कोस स्क्वायर, और साथ ही आप चेक करेंगे कि एंगल का हाफ भी होता है, ठीक है, यहां पर टू ए था तो यहां पर क्या हो गया, ए ए हो गया है, सेम इसमें भी एंगल का हाफ हुआ है। तो चलिए ये फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं, यहां पर होगा टेन इनवर्स वन माइनस कोस, यानी कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा भाई, माइनस है तो टू साइन स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल का हाफ होता है, यहां पर टू ए है तो उधर ए लिखा है, तो यहां थीटा है तो क्या होगा, थीटा बाई टू नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइन में कौन सा लगेगा, थर्ड वाला, तो थर्ड क्या है आपका, थर्ड है टू साइन ए, एंगल का हाफ हुआ है, टू ए से ए हो गया, यहां पर एंगल हमारा थीटा है, तो थीटा का हाफ करेंगे क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है भाई, और क्या होगा, कोस थीटा बाई टू, बिल्कुल फॉर्मूला यही अप्लाई किया है, लेकिन इसमें एंगल डबल था इसलिए सिंगल हो गया, यहां हमारा सिंगल था, थीटा था खाली, तो हाफ करना पड़ा हमें, ठीक है ना, तो एंगल का हाफ होता है, याद रखें आप, टू से टू क्या हो गया है, कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल हो गई, तो बाहर बचा है हमारे पास टेन इनवर्स, न्यूमिनेटर में साइन बचा है और डेनोमिनेटर में कोस, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो क्या हो गया, टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बचता है भाई, थीटा बाई टू बच जाता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अब आप इसमें रिप्लेस कर दें, तो वाई इक्वल्स टू चल रहा था हमारा, थीटा बाई टू आ चुका है हमारे पास, थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा को हम वापस रिप्लेस कर देते हैं टेन इनवर्स एक्स से, ठीक है। तो ये कंप्लीट जितना भी मैंने ये काम किया है ना, सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का था, यानी कि सेकंड चैप्टर का काम था, अगर सेकंड चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। अब डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, अब करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपका थर्ड वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, वन बाई टू आपका कॉन्स्टेंट है, एच डी रहेगा, ठीक है। और टेन इनवर्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही पर लिख देता हूं मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमिनेटर में जो वन था वो वन, और ये वन वन इंटू वन वन ही आएगा, तो मैंने ये सीधा लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई भाई डी वाई अपॉन डी एक्स की, अभी सोल्व नहीं हुआ है क्योंकि अभी जेड बाकी है हमारा, चलिए जेड को सोल्व कर लेते हैं। तो जेड इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, जेड इक्वल्स टू था हमारे पास टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसमें भी हमें बाहर टेन इनवर्स नजर आ रहा है, तो अंदर से क्या बनाना है, टेन बनाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर टेन का फॉर्मूला बन रहा है भाई, पता तो करना पड़ेगा ना कि पुट क्या करें, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई अंदर जो फॉर्मूला बन रहा है वो किस चीज का बन रहा है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, टेन टू ए का रिजल्ट है क्या होता है, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। कंपेयर करा के देखें आप, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में नहीं है, टू आपको नजर आ रहा है, एक्स की जगह टेन नजर आ रहा है, यहां भी एक्स की जगह टेन नजर आ रहा है,
यानी कि x को अगर मैं 10 पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा और ये बन गया तो उसको मैं ये लिख दूंगा। क्लियर है ना? तो फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कोई समस्या ही नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू, क्या पुट करें भाई? अब देखिए tan थीटा तो यहां पर किया था, करना तो tan ही है क्योंकि इससे मैच हुआ तो tan ही पुट करना है भाई। x की जगह किसने ले रखी है? tan ने। लेकिन थीटा नहीं ले सकते एंगल क्योंकि थीटा पहले पुट कर चुके हैं, तो कुछ और पुट कर देते हैं। तो और क्या पुट करें? फाई पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या पुट कर दिया मैंने एक्स को? टेन फाई। अब यहां से फाई की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो टेन आपका इधर आएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है? चलिए अब इसमें पुट करते हैं भाई। तो जेड इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स टू एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? टेन फाई से। ठीक है, तो टेन फाइव से रिप्लेस कर दिया मैंने। यहां पर भी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? टेन फाइव से। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वेयर फाइव। देखिए बन गया ना फॉर्मूला यही वाला। एंगल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। यहां पर ए है इसलिए ए लिखा है, हमारा फाइव है तो हम फाइव लिख देंगे। ठीक है ना? तो क्या हो गया भाई? ये हो गया आपके पास जेड इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और इसको मैं क्या लिख दूंगा? किसका फॉर्मूला बनाइए? टेन टू ए का बना, लेकिन ए नहीं है, ए क्या है? तो फाइव है भाई। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। तो चलिए थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो क्या होगा भाई हमारा? ये देखिए आपको दिख रहा है टेन इनवर्स और यहां पर क्या है? टेन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है, सेम यहां पर भी हुआ था ये। ठीक है भाई, तो क्या बचेगा आपके पास? टू फाइव बचेगा। तो जेड इक्वल्स टू हमें मिल गया है टू फाइव। अब फाइव की वैल्यू वापिस रख देते हैं। फाइव की वैल्यू क्या थी आपके पास? टेन इनवर्स एक्स। तो फाइव की वैल्यू मैं वापिस रिप्लेस कर देता हूं यहां पर टेन इनवर्स एक्स। तो यहां तक का काम ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का था। डेरिवेटिव तो अब करेंगे हम, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जेड का करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? डी जेड अपॉन में डी एक्स। यहां पर टू कॉन्स्टेंट है, एच डीज रहेगा। टेन इनवर्स का करेंगे क्या होगा? वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टू को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास? वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, चलिए। लेकिन हमें तो क्या निकालना था? इसको हमने लेट किया था y, इसको लेट किया z, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, मतलब y का z के रेस्पेक्ट में। तो क्या बना? dy अपॉन dz, मतलब आपको dy अपॉन dz निकालना था। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dy अपॉन dx को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? dz अपॉन dx से। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहां पर y दिख रहा है तो y का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में, z दिख रहा है तो z का डेनोमिनेटर में। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास क्या आई है भाई? dy अपॉन dx की वैल्यू फाइनल आई थी हमारे पास यहां पर, क्या आई थी? 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dz अपॉन dx की यहां पर आई है हमारे पास क्या आई है? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा क्या बचा मेरे पास? 1 बाय 2 तो ऊपर बचा था, और यहां पर कितना बचा है भाई? ये बचा है आपका 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना है? 1। तो 2 बाई 1, और इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 1 बाई 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 या 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, थोड़ा लेंदी जरूर लगेगा आपको, लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि पुट करके करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम। ठीक है, तो एक फंक्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका डेरिवेटिव करना है आपको इसके रेस्पेक्ट में। तो कंसेप्ट तो सेम ही है। सबसे पहले इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो लेट y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और अपोन में क्या था भाई? अपोन में था रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स, तो अंदर से हमारा टारगेट रहेगा टेन लेके आने का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और पुट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप एक्स इक्वल्स टू या तो टेन पुट करेंगे या फिर क्या पुट करेंगे? कोट। ठीक है, लेकिन साथ ही मैंने ये भी बताया था आपको कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अगर हो तो x इक्वल्स टू आप साइन थीटा पुट करेंगे या फिर कोस थीटा पुट करेंगे। ठीक है,
लेकिन इसके अंदर तो हमें दोनों नजर आ रहे हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर भी नजर आ रहा है और वन माइनस एक्स स्क्वायर भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो केवल एक्स की एक ऐसी वैल्यू पुट करें हम, ठीक है, जिससे दोनों में ही फॉर्मूला बन जाए। देखिए इसमें मैं टेन और कोट किस लिए बोलता हूं, अगर मैं यहां पर टेन पुट करता हूं तो बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर जो कि टेंथ क्लास का फॉर्मूला है, अगर मैं यहां पर कोट पुट करता हूं तो बनेगा वन प्लस कोट स्क्वायर जो कि क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर, ये भी टेंथ क्लास का फॉर्मूला है। ऐसे इसमें साइन रखेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर और कोस रखेंगे तो वन माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये बताया वहां फॉर्मूलों से, लेकिन हमें अब एक ऐसी वैल्यू चाहिए एक्स क्या कि एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जो प्लस और माइनस दोनों में फॉर्मूले देता हो, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर हम क्या करेंगे, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों आ जाते हैं तो आप एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे भाई, कोस थीटा। ये बताया था मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, जब हमने एक्सरसाइज 7.3 पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ये सारा। तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अगर दोनों क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो आप क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि यहां पर x नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे। क्यों भाई, मुझे कैसे पता लगा कि यहां पर एक्स स्क्वायर पुट होगा, मुझे पता लगा इन दोनों फॉर्मूलों से। देखिए 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, माइनस में भी कोस के साथ फॉर्मूला है और प्लस में भी है, ठीक है ना। तो इन दोनों फॉर्मूलों से मुझे पता लगा कि भाई 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, ठीक है, तो कोस दोनों में काम करेगा। तो इससे मुझे पता लग गया है यहां पर, इसलिए मैं पुट कर देता हूं एक्स स्क्वायर को, क्या पुट कर देता हूं, कोस थीटा, ठीक है भाई। देखिए समस्या बस यही होती है, मैं सबको आ जाता है, समस्या ये होती है कि पुट क्या करें और उसी चीज का हमें समाधान करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर को कोस थीटा, क्वेश्चन से ही सोल्यूशन निकाला है उसका, ठीक है। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोस आपका इधर आएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए पुट करते हैं इसके अंदर, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, कोस थीटा, ठीक है, पूरे एक्स स्क्वायर को ही पुट कर दिया हमने, माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को यहां पर भी क्या पुट कर देंगे, कोस थीटा, पूरे एक्स स्क्वायर को, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर को ही पुट किया है ना हमने। और सेम यहां पर भी क्या होगा भाई, रूट ऑफ वन प्लस कोस थीटा और प्लस रूट ऑफ वन माइनस कोस थीटा, ठीक है। चलिए फॉर्मूले लगा देते हैं भाई, कौन से फॉर्मूले बन गए, फर्स्ट टू बन गए आपके, फर्स्ट टू फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे, वन प्लस कोस यानी कि कौन सा लग जाएगा सेकंड, और वन माइनस कोस कौन सा लग जाएगा फर्स्ट। देखिए हाफ एंगल हो, एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल से फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं, बस इतना याद रखना है कि एंगल का क्या होता है यहाँ पर, हाफ होता है, ठीक है। तो वन प्लस कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टू कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू, माइनस सेम यहां पर कौन सा लगेगा, माइनस है तो फर्स्ट वाला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, थीटा का हाफ क्या हो जाएगा भाई, थीटा बाई टू। सेम यहां पर ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्लस है तो टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है ना, फर्स्ट वाला, और प्लस यहां पर सेकेंड फर्स्ट वाला लगेगा आपका माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहां से आपको रूट टू कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, डेनोमिनेटर में भी रूट टू कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम कॉमन आउट करेंगे और आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, रूट टू यहां से कॉमन, रूट टू यहां से भी कॉमन, तो जो रूट टू ऊपर कॉमन आया और डेनोमिनेटर में आया दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस थीटा बाई टू। सेम यहां पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई टू। सेम इसके अपोन में भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा बाई टू, और प्लस यहां पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा, साइन थीटा बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक नई बात आ गई है जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इंटीग्रेशन के अंदर भी और डेरिवेटिव में भी। जब भी आपको कोस और साइन की टर्म सेम मिले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में और साइन अपोजिट हो, देख सकते हैं आप कोस माइनस साइन, कोस प्लस साइन, ऐसा कभी भी होना, हमेशा आपको कोस से डिवाइड करना है। क्यों भाई, क्यों डिवाइड करना है कोस से,
क्योंकि कोस से डिवाइड करते ही कोस का फॉर्मूला बन जाता है ऐसे केस के अंदर, क्लियर है ना। तो कोस से डिवाइड करना है और कोस का एंगल कितना रखेंगे, जितना क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कितना है थीटा बाई टू, तो मतलब मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा बाई टू से डिवाइड करना है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, इसको कोस थीटा बाई टू से डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल कितना बचेगा वन माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा साइन अपॉन कोस, भाई कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका टेन होता है, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा बाई टू। सेम यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वन प्लस, यहाँ पर डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा टेन, क्लियर हुआ, थोड़ा मैंने सीधा लिखा है। अब यहाँ पर जो है ना ये आपका बन चुका है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बन चुका है भाई, ये आपका बन चुका है टेन पाई बाई फोर माइनस ए का रजल्ट, ठीक है पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए, ठीक है भाई। तो आपको जो क्वेश्चन है आपका इस फॉर्मेट में नजर आ रहा होगा, देखिए एंगल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते, ये याद रखें आप, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मेट में लिख देता हूं मैं इसको, तो यहां पर लिखूंगा इसको मैं टेन इनवर्स, तो मेरे पास पहले ही बार था, इस अंदर की टर्म को मैं क्या लिख दूंगा टेन पाई बाई फोर, यहां पर पाई बाई फोर की बजाय आपने 45 पढ़ा हो सकता है, पाई बाई फोर का मतलब 45 ही होता है, ये रेडियन में वो डिग्री में होता है 45, ठीक है ना, माइनस ए, अब यहां पर ए था इसलिए ए लिखा है ना, हमारा क्या है थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू लिखेंगे हम, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा भाई पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू बच गया। अब इसमें आप थीटा की वैल्यू रिप्लेस करें, तो इधर हमारा वाई चल रहा था, ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू को मैं सेंड लिख देता हूं, और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, थीटा की वैल्यू थी मेरे पास कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा, यहां तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम था, ठीक है, तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे जब एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई का हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स, पाई बाई फोर क्या है भाई कॉन्स्टेंट है, एक्स की टर्म नहीं है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, माइनस वन बाई टू आपका एच डीज रहेगा। कोस इनवर्स का करेंगे तो क्या होता है, कोस का होता है माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एंगल का स्क्वेयर, यहां पर एंगल है एक्स स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर और करूंगा कितनी पावर हो जाएगी फोर, ध्यान देना भाई, इसीलिए मैंने आपको एंगल का स्क्वेयर याद करा रखा है, वरना आप एक्स स्क्वेयर ही लिखते हैं यहां पर, तो इसके एंगल का इसका स्क्वेयर करेंगे तो फोर पावर नहीं हो जाएगी, अभी भी बचा है किसका एक्स स्क्वेयर का, और एक्स स्क्वेयर का क्या होगा टू एक्स, तो इनटू में लिख देंगे, आप देख सकते हैं टू से टू क्या हो गया है कैंसिल, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस एक्स को मैं न्यूमिनेटर में लिख देता हूं, डेनोमिनेटर में क्या बचेगा मेरे पास वन माइनस एक्स की पावर फोर, ठीक है। चलिए ये आ गया आपके पास, किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की। अब हम सोल्व करेंगे किसको जेड को, तो ये तो हो गया था भाई हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, अब हम चलते हैं जेड पर, तो इसको हमें जेड लेट करना था, ठीक है, अभी लिख देते हैं जेड इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है बाहर साइन, ठीक है, तो हमें अंदर से बनाना है साइन, उसके लिए अगर आपको फॉर्मूले याद है ट्रिग्नोमेट्री के तो एक सेकंड में पता लग जाएगा, आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कुछ ऐसे फॉर्मेट में हो, ठीक है, और उसका साइन रिजल्ट होता हो, तो आपको याद आएगा कि साइन 2a का एक रिजल्ट होता था, एक तो होता है इसका 2 साइन a cos a जो अभी लिखवाया था मैंने, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है इसका एक और होता है इसका रिजल्ट 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इससे आप मैच कराएंगे आपको तुरंत पता लगेगा tan पुट होना है इसमें, तो देखिए इसी फॉर्मेट में है ना, तो यहां पर प्लस है तो याद रखें साइन का बनेगा, और माइनस होता तो किसका बनता tan का, जो पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था हमने, ठीक है ना। तो इसको देख के हमें पता लग गया है कि हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा टेन थीटा, ठीक है। अब यहां से थीटा की वैल्यू वापस निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास टेन इनवर्स x, टेन इधर आएगा इनवर्स में चेंज हो जाएगा, चलिए रिप्लेस करते हैं, तो z इक्वल्स टू क्या था हमारे पास साइन इनवर्स 2x, x को किससे रिप्लेस कर देंगे टेन से, और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये इस फॉर्मेट में बन रहा है, देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2a, भाई यहां पर एंगल a था इसलिए a, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है थीटा, तो हम क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा, क्लियर है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा, अब थीटा की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है,
तो याद रखे सर्किटूट केवल तभी करना होता है जब बाहर इनवर्स फंक्शन आ जाए, ठीक है भाई। तो जेड का करेंगे तो क्या होगा, dz अपॉन में dx, 2 कॉन्स्टेंट है आपका एच डीज रहेगा, और टेन इनवर्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई किसकी, dz अपॉन dx की वैल्यू। इसको हमने y लेट किया था, इसको z, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या बना, dy अपॉन dz। तो आपको निकालना है dy अपॉन dz, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx को डिवाइड करना पड़ेगा dz अपॉन dx से। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई भाई, dy अपॉन dx की फाइनल वैल्यू यहां पर आई थी आपके पास, ये रही x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। और dz अपॉन dx की ये रही, 2 को मैं न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई क्या होगा, नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगी, ठीक है। तो पलटेगी तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 2 कहां आ जाएगा, डेनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डी जाएगा भाई 2 × 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, और इसको x के साथ इंटू में लिख देते हैं तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया है, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि ये फोर्थ क्वेश्चन का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल एच डी है, ठीक है। सेकंड फंक्शन में थोड़ा सा चेंज है, वो आप कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। यहाँ पर खाली टेन इनवर्स मिलेगा आपको फोर्थ का जो फर्स्ट किया था, ठीक है। तो चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। लॉग ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो एक फंक्शन तो आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो सेम वैसे ही कंसेप्ट तो आपका सेम ही रहेगा। तो y के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, log ऑफ tan x। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी थी हमारी log ऑफ a b, ठीक है। ये a जो होता है ना इसको बोलते हैं बेस। ये जो प्रॉपर्टी होती थी, ये होती थी आपकी log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। ये अप्लाई केवल तभी होगी जब ये बेस आएगा, ठीक है। छोटा सा लिखा मिलेगा आपको, तो यहां पर ये बेस आएगा तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसको याद कैसे करेंगे, याद कराने का काम भी मेरा ही है। कैसे याद करेंगे, ये ऊपर लिखा है ना तो इसके साथ लॉग लगा के ऊपर, ये नीचे लिखा है तो इसके साथ लॉग लगा के नीचे, सिंपल ऐसे याद रखो, ए बी याद मत करना, ठीक है। तो जब भी आपको बेस नजर आ जाए ना तो आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है लॉगरिथम की। देखिए बेस नजर आया हमें टेन, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है एक्स तो हम ऊपर लिख देंगे लॉग एक्स, और नीचे क्या है टेन तो नीचे क्या लिख देंगे लॉग टेन, क्लियर है। अब चलिए इसका करते हैं डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, वाई का क्या हो जाएगा डीवाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। इसका आप सोच रहे होंगे यू अपॉन वी लगेगी, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं भाई, क्यों, क्योंकि डेनोमिनेटर में एक्स की टर्म नहीं है, ये तो कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है, तो लॉग टेन तो बाहर चला जाएगा, तो किसका होगा खाली लॉग एक्स का, और लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एंगल, ठीक है ना, जो इसके लॉग के एंगल में हो वो वन अपॉन हो जाएगा, ऐसे याद रखें। अगर लॉग एक्स याद रखोगे मतलब वन अपॉन एक्स याद रखोगे तो हमेशा वन अपॉन एक्स ही लिखोगे फिर, ठीक है। अभी तो चलिए चल जाएगा क्योंकि एक्स ही एंगल में, अगर यहाँ पर 2x 3x या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह आ जाता तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, एक्स को पहले लिख देता हूँ छोटी टर्म है, और log 10 को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है भाई। अब हम चलेंगे z पर, तो z इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो इसका तो सीधा हो जाएगा, ठीक है ना, इतना तो डेरिवेटिव सीख चुके होंगे, एक्स स्क्वायर का तो याद ही हो जाता है बच्चों को। तो जेड का क्या हो जाएगा dz अपॉन में dx, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है भाई 2x होता है, ठीक है। तो dz अपॉन में dx क्या हो गया आपका 2x। अब हमें निकालना था dy अपॉन में dz, बताया अभी मैंने, इसको y लेट किया था इसको z, तो इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, मतलब y का z के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dz, ठीक है। तो dy अपॉन में dx को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, dz अपॉन dx से। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास क्या आई है, dy अपॉन dx की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन x log ऑफ 10, और dz अपॉन dx की वैल्यू क्या है भाई 2x, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x log ऑफ 10
और इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 2x हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 को आगे लिख देते हैं, नंबर को आगे लिखते हैं हम, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या आ गया आपके पास लॉग ऑफ 10, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब चेंज करना चाहे तो इसमें एक चेंज और भी हो सकता है, लॉग 10 की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आंसर में आपको लॉग 10 ही मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स रेज टू पावर 10 एक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन को हम वाई के इक्वल टू लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स और रेज टू पावर एक्स, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि आप अच्छे विद्यार्थी हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन भी आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन पहचान में जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। आपको आता होगा लेकिन आप क्वेश्चन को पहचान नहीं पाए तो सोल्व नहीं कर पाओगे, तो जहां जरूरत होगी, जहां जरूरत है याद करने की आइडेंटिफिकेशन, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर मैंने आपको बताया था, अगर आपने एक्सरसाइज 7.6 देखी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए इसके बेस में आपको एक्स की टर्म नजर आ रही है और पावर में भी क्या नजर आ रही है एक्स की टर्म, मतलब बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, ठीक है। और ऐसे केस में हमने क्या किया था, टेकिंग लॉग किया था, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.6 इंपोर्टेंट एक्सरसाइज थी, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों करते हैं भाई टेकिंग लॉग, क्योंकि यहां पर पावर में जो हमारा वेरिएबल है वो नीचे आ जाए, और नीचे आ जाएगा तो हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है ना, ऊपर रहेगा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नीचे लेके आने के लिए हम क्या लेते हैं लॉग। तो यहां पर हो जाएगा आपका लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स, ठीक है। लॉग तो चलो ले लिया, अब कैसे लेके आए पावर को नीचे, तो लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है ये लॉग एम रेज टू पावर एन, तो n जो है वो आगे लिख सकते हैं हम और log m को पीछे, ठीक है। पावर में जो है वो आगे लिखा जाएगा, डेरिवेटिव नहीं हुआ है, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां पर पावर में है जो वो आगे आ जाएगा आपका, यानी कि log y इक्वल्स टू x कहां आ जाएगा आगे, और यहां पर हो गया है log ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब दो टर्म आ गई है इंटू में, तो क्या लगेगी u इंटू v की प्रॉपर्टी लगेगी जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग का करेंगे 1 अपॉन वाई क्योंकि एंगल में वाई था, और वाई का क्या होगा, वाई का होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। वाई का भी होगा भाई, इधर आ जाते हैं, यहां पर दो टर्म इंटू में है तो लगेगी यू इंटू वी, एक्स आपका एच डीज रहेगा, इसका होगा तो डेरिवेटिव लॉग साइन इनवर्स का, तो पहले करेंगे लॉग का, और लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एंगल, ठीक है ना। एक्स याद रखोगे, एक्स ही लिखोगे, तो लॉग का एंगल क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हुआ लॉग का, अब किसका होगा साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होगा 1, इसलिए लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ, चलिए प्रॉपर्टी पूरी नहीं हुई अभी हमारी, अब की बार हम लॉग साइन इनवर्स एक्स को एच डीज रखेंगे, और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे एक्स का। अब एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा साथ में लिख देते हैं, और साथ ही यहां पर y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू में लिख दिया मैंने, इनको थोड़ा साथ में लिख देते हैं, x को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया है, और यहां पर रूट साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख देता हूं, और साइन इनवर्स x को मैंने पीछे लिख दिया है, प्लस यहां पर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा एच डी जाएगा, तो लॉग साइन इनवर्स x लिख देता हूं, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास, अब यहां पर आप y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, y की वैल्यू थी मेरे पास साइन इनवर्स x रेज टू पावर x, यहां पर थी, ठीक है। तो y की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या था मेरे पास साइन इनवर्स x प्लस log ऑफ साइन इनवर्स x, ये एच डी जी हमारा। तो ये हमारे पास आ गई है dy अपॉन dx की वैल्यू। अब हम चलेंगे z पर, तो z इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू है हमारे पास साइन x रेज टू पावर 10x। इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, बेस में भी x है और पावर में भी x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, टेकिंग लॉग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पावर को नीचे लेके आना है, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं,
तो यहाँ पर क्या होगा, log ऑफ जेड हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 10x। यहाँ पर भी m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ये वाली, ठीक है। तो पावर कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो log z इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, 10 आगे आ जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log z का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z, और z का क्या हो जाएगा, dz अपॉन में dx, ठीक है भाई। तो याद रखे, टेकिंग log कब करना है, जब बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो। तो यहां पर दो टर्म इंटू में है तो क्या लगेगी, u इंटू भी लगेगी, 10x आपका एज इट इज रहेगा। किसका करेंगे, log साइन का, तो पहले होगा log का, log का क्या होता है, 1 अपॉन एंगल, एंगल में क्या था साइन, तो मैंने 1 अपॉन साइन लिख दिया। अब किसका होगा, साइन का, साइन का होता है cos, ठीक है ना। तो ये एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया, ये आया कंप्लीट, ठीक है। प्लस अब की बार क्या होगा, log साइन एक्स आपका एच डी रहेगा आपकी बार, और डेरिवेटिव किसका होगा, टेन का, और टेन का क्या होता है भाई, टेन का होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है। चलिए सिंपलीफाई करते चलते हैं इसको। तो यहां पर वन अपॉन जेड आपका यही है एच डीज, और क्या था भाई, डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से था हमारे पास 10x, इसको भी मैं सेम लिख रहा हूं। देखिए कोस को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर हो जाएगा कोस, नीचे साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट लिख दिया मैंने इसको। प्लस यहां पर सीकेंट स्क्वेयर को मैं पहले लिख देता हूं और लोग साइन एक्स को बाद में लिख देता हूं, ठीक है। अब जेड यहां पर डिवाइड हो रहा है हमारा, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर इंटू में लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, और ये इंटू में आ रहे हैं। अगर एक को मैं बदलूंगा तो दूसरा कैंसिल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो इसलिए बदल देते हैं। तो 10x को तो मैं रखता हूं सेम, और कोट को मैं क्या लिख देता हूं, 1 अपॉन 10 लिख सकता हूं, 10th क्लास का फॉर्मूला है भाई। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10। प्लस में मेरे पास क्या है, यहां पर सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और इंटू में क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो 10 से 10 आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या करेंगे, डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू जेड की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो जेड की जो वैल्यू थी मेरे पास क्या थी, साइन एक्स रेज टू पावर 10x, ठीक है। ये वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है, यहां से सब कुछ कैंसिल हो गया था, 1 बचा, और पीछे क्या लिखा हुआ है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, डी जेड अपॉन डी एक्स की, ये आ गया था डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन आपको निकालना था डी वाई अपॉन में डी जेड, तो उसके लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा डी जेड अपॉन डी एक्स से। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, इसको न्यूमिनेटर में लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स, और क्या था भाई, ये था आपके पास x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स, और साथ ही था प्लस log ऑफ साइन इनवर्स एक्स, log ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये तो dy अपॉन dx की वैल्यू लिख दी, और डेनोमिनेटर में किसकी लिखेंगे, dz अपॉन dx की। तो dz अपॉन dx की वैल्यू क्या है, साइन एक्स रेज टू पावर 10x, और इंटू में क्या है आपके पास, यहां से 1 प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और क्या बचा है, लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है भाई, फाइनल आंसर आ गया है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आपको बता देता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका यहां पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। 7.9 में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको हेल्प मिल रही है तो सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ ही दोस्तों से शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।